देखो आज तीनों ने पकड़ लिया गुलिया जी को। 3 दिन बाद आ रहे हैं सर इधर। हाँ ये बेचारे मिस कर रहे हैं। आ जा बेटा आ जा। हैं कहीं पे ला दो सर। और दोस्तों ये 4.5 किलोमीटर की रेस के बाद सर जो है रस्सी स्टार्ट कर दी है। 300-300 के 3 सेट लेंगे। प्रिय मित्रों ये हमारे कार्डियो सेशन का अगला भाग जिसमें 300-300 रिपीटेशन की रस्सी कूद के हम 3 सेट लेते हैं। रस्सी कूद के आपको फ़ायदे पता ही हैं। हमारी लेग्स मजबूत होती हैं, काफ मजबूत होते हैं, पेट कमर और पीठ का फैट कम होता है, भुजाओं की एक्सरसाइज होती है, सभी आंतरिक अंगों का व्यायाम होता है। 1 मिनट आप लगातार रस्सी कूदते हैं तो 8 से 10 मिनट की दौड़ के बराबर होती है। छोटे बच्चे लगातार रस्सी कूदते हैं, हाइट में वृद्धि होती है, इसलिए इसे अपने वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। और ये सुबह पार्क का व्यू मॉर्निंग का, टाइम लगभग 5:30 हुए अभी। फाउंटेन चले नहीं अभी। और दोस्तों ये ग्रीनरी देखिए आप कितना सुबह सुबह अच्छा लग रहा है। देखो और लालू हमारे साथ साथ तीनों, मोटू भी साथ साथ, और ये चंपा के पेड़। और इधर भी चंपा के पेड़ है सामने भी, और ये मेरे बिल्कुल सामने भी। प्रिय मित्रों ये हमारे कार्डियो सेशन का अगला चरण जिसमें 6 एक्सरसाइज हमारी शामिल होती हैं। ये हैं जंपिंग जैक्स, इसके 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। लेकिन आप यदि इसके एक ही एक्सरसाइज के 100-100 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हो तो पूरा लाभ मिलेगा। हाई नीज ये दूसरी एक्सरसाइज हमारी, इसके भी 30-30 रिपीटेशन के हम 3 सेट लेते हैं, तो इन्हें अपने डेली वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। ये तीसरी एक्सरसाइज है। कार्डियो का मतलब ये है कि हार्ट को आपको बिजी रखना है, इसलिए ये एक्सरसाइज बिना रुके बिना थके आपको करनी है, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया सर। और ये सर की टर्न सेम वही 30-30 के 3 सेट लेंगे। ये पहली एक्सरसाइज है। और ये दूसरी सर, देखो सर हाँ। अंदर गुजरा देखो बिल्कुल। खा रहा है आज 3 दिन में मिले हो। हाँ अच्छा। और ये तीसरी। प्रिय मित्रों अरे मोटू हट जा बेटा, हट जा हट जा। हाँ, सही चल रहा है। ये हमारी मसल ट्रेनिंग की 4 प्रमुख एक्सरसाइजों से पहली सपाटे, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने होते हैं। तो आज ये तीनों डॉगी भी विशेष प्यार दिखा रहे हैं गुलिया जी पे, क्योंकि 3 दिन में हम इधर वापस आए हैं। बहुत बढ़िया सर, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने हैं। आपकी आंतरिक शक्ति का विकास होता है, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। बहुत बढ़िया सर। और ये मसल ट्रेनिंग की 2nd एक्सरसाइज डिप्स, वही सर जो है 30-30 के 3 सेट लेंगे। प्रिय मित्रों मसल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए ये हमारी देसी दंड फुल बॉडी वर्कआउट में शामिल किया जाता है। इसे 4 आसनों का प्रयोग होता है। इसमें वज्रासन से शुरू करते हैं, चतुरंग दंडासन, भुजंगासन और पर्वतासन। ये देखिए तीनों हमारी सेना बैठी हुई है आज। बहुत बढ़िया सर, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने। बहुत बढ़िया। और ये बेली फैट के लिए 4 एक्सरसाइज करेंगे सर। ये पहली एक्सरसाइज है, 30-30 के 3 सेट लेंगे। और ये 2nd एक्सरसाइज, ये भी सेम रिपीट करेंगे, वही 30-30 के 3 सेट लेंगे। बहुत अच्छे। और ये 3rd एक्सरसाइज, बहुत अच्छे।
मित्रों ये है 4, ये भी सेम रिपीट करनी है। प्रिय मित्रों कार्डियो सेशन कंप्लीट हुआ हमारा, उसके बाद हमारी मसल ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और उसके बाद जो हम बेली फैट के लिए पेट की एक्सरसाइज करते हैं वो कंप्लीट हुई और उसके बाद है हमारा प्राणायाम सेशन जिसमें ये कपालभाति। कपालभाति में 100-100 रिपीटेशन के हम 3 सेट लेते हैं। जैसा कि आपको हम बताते हैं कि कोई भी प्राणायाम प्रक्रिया 5 मिनट में होनी चाहिए। 5 मिनट भी आप किसी भी प्रक्रिया में ले रहे हो तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये है अनुलोम विलोम। इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, हार्ट मजबूत होता है, आंतरिक शांति स्थापित होती है। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों ये है भ्रामरी और जैसा कि आपको पता ही है भ्रामरी में ओम का जो स्वर है वो नासिका से निकालना होता है जिससे हमारे ब्रेन में कंपन होते हैं और वहाँ स्थित हमारे न्यूरॉन सक्रिय होते हैं जिससे हमारी याददाश्त बढ़ती है और हमारी बुद्धि तीव्र होती है। बहुत बढ़िया सर। तो प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा ओम का जाप और जैसा कि आपको पता ही है यदि किसी का भी ब्लड प्रेशर लो है तो ओम का जो स्वर है उसे तीव्र रखें, लाभ मिलेगा। और यदि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो ओम के स्वर को मंद रखें तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। यदि रोजाना ओम का जाप आप करते हैं सकारात्मक विचार रहेंगे आपके, क्रोध आप नहीं करेंगे और मानसिक रूप से हमेशा अच्छा सोचेंगे। बहुत बढ़िया सर। जय श्री राम मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है। आज है 11 जुलाई 2024 और 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। और देखिए जैसा कि आप जानते हो कि मनुष्य चेतना के लेवल पर सबसे ऊपर है लेकिन फिर भी हम दिन प्रतिदिन इस तरह बढ़ते जा रहे हैं कि दुनिया में और कोई स्पीसीज कोई इस तरह की जाति नहीं बढ़ रही है जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। यदि हम अपने देश की बात करें अकेली दिल्ली राजधानी में रोजाना 1565 बच्चों का जन्म होता है और यदि हम पूरे देश की बात करें तो लगभग 68,000 से 70,000 बच्चों का जन्म रोज होता है, यानी लगभग 2 करोड़ बच्चे एक साल में जन्म लेते हैं। इतनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है। तो देखने वाली बात यह है मित्रों कि हमारी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी हम केवल पेट भरने में लगे हुए हैं और इसका कारण यही है कि हमारे हिस्से में लगभग 2.4% क्षेत्रफल है और जनसंख्या का हिसाब लगाएं तो लगभग 18% जनसंख्या हमारे हिस्से में है। तो विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य यही है कि मानव चेतना का प्रयोग करते हुए हम अपने आप को नियंत्रित रखें ताकि प्रकृति में सभी जातियों का बैलेंस बना रहे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।